Good morning everyone. Continuing with our topic, next is marketing under individual brand. जब जो manufacturer है वो separate brand names use कर रहा है हर एक product के लिए जो वो manufacture कर रहा है तो उसे individual brand कहते हैं. जब जो manufacturer है वो ये brand strategy use करता है तो उसे heavy expenses incur करने पड़ते हैं on the research and in promoting the product जो ब्रांड नेम उसने यूज किया है उसके लिए. तो जो प्रोडक्ट है उसे कुछ प्रॉब्लम अगर आ गई है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट उसे मार्केट नहीं कर रही है, तो वो गुडविल बेनिफिट्स उसके एंजॉय नहीं करेगा. तो मतलब हर एक प्रोडक्ट का जो ब्रांड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उसे अलग से मिलेंगे. और इस स्ट्रैटेजी से उसको ये हेल्प होता है कि हर एक प्रोडक्ट की एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है. तो जो एक प्रोडक्ट की सेल्स या प्रॉफिट्स हैं या उसके जो भी मार्केट में इमेज है वो दूसरे प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करती है. जो मैन्युफैक्चरर है वो सेपरेट एडवर्टाइजिंग अपील यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. और ये जो ब्रांड स्ट्रैटेजी है वो रेपुटेशन दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की उसको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट ब्रांड नेम यूज कर रहा है. और मोस्ट ऑफ द जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कंपनीज इसी स्ट्रैटेजी को यूज करती है. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो है वो सेपरेट ब्रांड नेम्स यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, सनसिल्क शैम्पू के लिए, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर के लिए, रिन डिटर्जेंट केक के लिए, लक्स हमाम रेक्सोना टॉयलेट सोप्स के लिए. देन एडवांटेजेस क्या है आपके इंडिविजुअल ब्रांड पॉलिसी के और स्ट्रैटेजी के, जो एडवर्टाइजिंग अपील्स है उसे आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो है वो अपने डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक के लिए एडवर्टाइज हो रहा है. हर एक जो ब्रांड है नेम है जो कंपनी ने चूज किया है जो ब्रांड हर एक प्रोडक्ट के लिए, कंपनी को उससे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो एक डिफिकल्ट मार्केट सेगमेंट में भी अपील क्रिएट कर सकती है. अगर जो न्यू प्रोडक्ट है वो फेल हो जाता है तो जो कंपनी की रेपुटेशन है वो डैमेज नहीं होती है. देन नेक्स्ट इज जो आपकी सेल्स है, अगर उसमें डिक्लाइन हो रहा है या प्रॉफिट मार्जिन है एक प्रोडक्ट का उसमें डिक्लाइन हो रहा है, तो वो उसे आप कंपनसेट कर सकते हो जो दूसरे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं उससे. देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस क्या है इंडिविजुअल ब्रांड पॉलिसी के और स्ट्रैटेजी के. जो इंडिविजुअल ब्रांड नेम है उसके जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो कंपनी की गुडविल है उसको नहीं मिलते हैं. देन कॉस्टली स्ट्रैटेजी है क्योंकि कंपनी को हैवी एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ते हैं एडवर्टाइजिंग पे. देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मार्केटिंग अंडर फैमिली ब्रांड. जब जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑफर कर रहा है अपने सभी प्रोडक्ट्स सिर्फ एक ही ब्रांड के अंदर तो उसे हम फैमिली ब्रांड कहते हैं. और ये जो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी है जनरली उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है जिन्हें आप रिलेट कर सकते हो एक ही प्रोडक्ट लाइन से. फॉर एग्जांपल जो अमूल ब्रांड है वो यूज कर रहे हो आप बटर चीज मिल्क घी आइसक्रीम चॉकलेट सब के लिए. जो लार्ज साइज मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और नेशनल कंपनीज होती हैं वो फैमिली ब्रांड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती हैं. और बहुत सारी ऐसे फैमिली ब्रांड जो यूज है कर रही हैं कंपनीज वो नेशनल और इंटरनेशनल रेपुटेशन भी कमा चुकी हैं. तो कुछ जो फैमिली ब्रांड्स हैं वो हाउस होल्ड नेम्स बन गए हैं, ऑल ओवर द कंट्री रिकॉग्नाइज होते हैं, जैसे टाटा गोदरेज बीपीएल एक्सेट्रा. एडवांटेजेस क्या हैं फैमिली ब्रांड पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के, ईजियर है अडॉप्ट करना फैमिली ब्रांड को फॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स. जो ब्रांड नेम डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कम पड़ती है आपको, ब्रांड नेम रिसर्च की जरूरत नहीं है. देन प्रमोशन जो है इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए इजियर हो जाती है और लेस एक्सपेंसिव हो जाती है अंडर फैमिली ब्रांड. प्रमोशन एफर्ट्स जो है वो कंबाइंड होती है सभी प्रोडक्ट्स के लिए. एक न्यू प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो उसे इजीली लॉन्च आप कर सकते हो, क्योंकि जो न्यू प्रोडक्ट है उसे इजीली सेम रिकॉग्नाइजेशन और मार्केट सेटअप मिलता है. देन नेक्स्ट इज इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. अगर एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है आपके पूरे ग्रुप में तो वो आपके पूरे रेंज है जो प्रोडक्ट्स की उसको इफेक्ट कर सकता है. अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स तो उसके लिए ये वाइज नहीं है कि वो फैमिली ब्रांड नेम को यूज करे. देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय द मिडल मैन.
मार्केटिंग अंडर मिडलमैन ब्रांड, जब जो ब्रांड है वो ओन होलसेलर और रिटेलर कर रहा है तो उसे हम मिडलमैन ब्रांड कहते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना खुद का ब्रांड नेम यूज नहीं करता है जो गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए, बल्कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मिडलमैन का जो ब्रांड नेम है वो यूज करता है, और जो सजेस्ट मिडलमैन ने किया है या कई बार जो मैन्युफैक्चरर है वो अनब्रांडेड जो गुड्स हैं वो मिडलमैन को सोल्ड कर देता है और जो मिडलमैन है उन गुड्स के ऊपर अपना ब्रांड लगा देता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में ब्रांड के लिए नहीं आता है। तो जो वो सिर्फ इतना कर रहा है कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट ऑफ द मिडलमैन। और इस ब्रांड स्ट्रेटजी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग क्वालिटी प्रमोशन प्राइसिंग वो मिडलमैन की ही होगी। इंडिया में इस टाइप की जो स्ट्रेटजी है वो पॉपुलर है इन द वूलन हाउजरी स्पोर्ट्स मटीरियल स्पेयर्स एंड मशीनरी पार्ट्स एंड अदर सिंपल इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट। एडवांटेजेस क्या है मिडलमैन ब्रांड पॉलिसी और स्ट्रेटजी के, जो मैन्युफैक्चरर है वो कंसंट्रेट कर सकता है अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे। इस स्ट्रेटजी को अगर आप यूज कर रहे हो तो जो मिडलमैन है उसे एडिशनल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट की उसे फैसिलिटी मिल जाती है, प्रॉम्प्ट जो पेमेंट है वो रिसीव कर सकता है। देन जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो टोटल प्रोडक्शन है जर्नली जो वो मिडलमैन को दे रहा है उसके लिए उसे एडवांस मिल जाता है। जो प्राइस है मिडलमैन ब्रांड का वो यूजुअली कम होता है एज कम्पेयर टू जो आपके नेशनल ब्रांड्स हैं। कई जो कस्टमर हैं वो प्रेफर करते हैं लो प्राइस मिडलमैन ब्रांड बजाय हाई प्राइस्ड मैन्युफैक्चरर ब्रांड के, देन जो गुडविल है मिडलमैन की वो इंक्रीज हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है मिडलमैन ब्रांड पॉलिसी और स्ट्रेटजी की, जो फ्रीडम है मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की वो कम हो जाती है, और अननेसेसरी इंटरडिपेंडेंस होती है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मिडलमैन। जो मैन्युफैक्चरर है वो मिडलमैन की मर्सी पर रहता है, उसकी कोई अपनी पर्सनल मार्केट नहीं होती। जो कंज्यूमर है उन्हें नहीं पता चलता कि रियल मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट का कौन है। देन मार्केटिंग अंडर मैन्युफैक्चरर ब्रांड पॉलिसी, मोस्ट ऑफ दी जो मिडलमैन है वो इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं जहां पर वो सेल करते हैं प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरर ब्रांड नेम। जो मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स हैं वो नेशनल ब्रांड होते हैं और रिप्यूट के ब्रांड्स होते हैं और वेल प्लेस्ड और इजीली सोल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके होते हैं। तो जो मिडलमैन है उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है, नो डाउट मार्जिन बेशक कम रहता है प्रोडक्ट में लेकिन जो प्रॉफिट है उनका इंक्रीज हो जाता है, और जो मिडलमैन है वो फ्री हो जाता है फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस प्राइसेस एंड प्रमोशन। तो इसमें जो पहला है दैट इज मार्केटिंग अंडर मिक्स्ड ब्रांड पॉलिसी। इस ब्रांड पॉलिसी के अंडर जो मिडलमैन है वो सेल करता है प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम का भी और मैन्युफैक्चरर के ब्रांड नेम का भी, और इस तरीके से वो कंज्यूमर को एक फैसिलिटी दे रहा है कि वो कंपेयर कर सकते हैं दोनों ब्रांड्स को। जो प्राइस है मिडलमैन ब्रांड का वो कम होता है देन द नेशनल ब्रांड, तो जो डिफरेंस है प्रोडक्ट पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है दोनों में, लेकिन प्राइस मिडलमैन ब्रांड का कम है तो जो कंज्यूमर है वो मिडलमैन ब्रांड जो है वो चूज करता है, और मिडलमैन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपने ब्रांड को ही सेल करने में ताकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके ऑन सेलिंग हिज ब्रांड। लेकिन जो कस्टमर है वो नेशनल ब्रांड जो है वो भी उसे अवेलेबल करवाना पड़ेगा मिडलमैन को अगर कस्टमर डिमांड करता है। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज अदर ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। सबसे पहला है मार्केटिंग अंडर प्रोडक्ट लाइन ब्रांड पॉलिसी। इस ब्रांड पॉलिसी के अंडर जो मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट ब्रांड नेम्स यूज करता है डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के लिए, और जो भी बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो प्रोडक्ट लाइन ब्रांड पॉलिसी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल DCM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज DCM ब्रांड यूज करती है टेक्सटाइल्स के लिए, रथ फॉर वनस्पति घी, उषा लक्सेस फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, श्रीराम फॉर फर्टिलाइजर्स एसेट्रा। आप बेसिकली देख रहे होंगे कि जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड्स किया था वही सारी जो चीजें हैं रिपीट हो रही हैं जो हमारी ब्रांड पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज हैं उनके अंडर। द नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग अंडर अम्ब्रेला ब्रांड पॉलिसी। अम्ब्रेला ब्रांड फैमिली ब्रांड की तरीके से ही होता है, और ये जो पॉलिसी है आप तब यूज करते हो जब डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है
प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरर है वो सेम है। तो जो एडवांटेजेस हैं सिंगल अम्ब्रेला ब्रांड के वो ये हैं कि रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है, गुडविल इमेज जो कंपनी की है कस्टमर की और डिस्ट्रीब्यूटर्स के माइंड में वो इंक्रीज हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अम्ब्रेला ब्रांड के जो सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे गोदरेज, जॉनसन, सोनी एसेट्रा। जो सक्सेस है एक प्रोडक्ट की कंपनी की वो इतना एबल होता है कि वो पूरे प्रोडक्ट मिक्स जो है उनका उसे सेल करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर LG वॉशिंग मशीन की जो इमेज है अच्छी है तो वो प्रमोट कर रही है जो कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी। तो एक नया प्रोडक्ट अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं अंडर अम्ब्रेला ब्रांड तो उसे बहुत फायदा मिलता है और जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट लॉन्चिंग की और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर वो कम हो जाते हैं और जो गुडविल है कंपनी की वो इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट इज मार्केटिंग अंडर ट्रेडिंग अप ब्रांड स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग अप जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें आप एक हाई प्राइस जो प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है वो ऐड कर रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग लाइन में। तो जो मेन इंटेंशन है उसे ऐड करने का, दैट इज कि आपकी सेल जो है एग्जिस्टिंग लो प्राइस प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हो। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो नया प्रोडक्ट है वो आप ऑफर करते हो इन कॉम्बिनेशन ब्रांड। कॉम्बिनेशन ब्रांड का मतलब है कि आप इंडिविजुअल ब्रांड भी यूज कर रहे हो और फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांड भी यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हॉकिंस फ्यूटेरा, आपका मारुति एस्टीम, वीडियोकॉन बजूका, टीवीएस पल्सर, ये जो हैं आप इसमें देखें मारुति जो है वो ब्रांड नेम भी यूज हो रहा है और एस्टीम आपने जो इंडिविजुअल ब्रांड है वो भी यूज कर लिया। तो पूरा जो प्रोडक्ट का नाम हुआ दैट इज मारुति एस्टीम, एस्टीम इंडिविजुअल ब्रांड हो गया और जो मारुति है वो आपका अम्ब्रेला ब्रांड हो गया। देन नेक्स्ट इज योर मार्केटिंग अंडर ट्रेडिंग डाउन ब्रांड स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी में आप जो ऐड कर रहे हो प्रोडक्ट वो लो प्राइस्ड लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है जो आप ऐड कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग लाइन में और इंटेंशन क्या है इंक्रीज की जाए सेल्स आपके एग्जिस्टिंग हाई प्राइस प्रोडक्ट्स की। तो जो मेन एम है ट्रेडिंग डाउन का दैट इज मार्केट शेयर को बढ़ाना। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक जो नया प्रोडक्ट आप ऑफर करते हो वो कॉम्बिनेशन ब्रांड के अंदर ऑफर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर एक मैन्युफैक्चरर है 350 cc मोटर बाइक का और वो 150 cc या 100 cc मोटर बाइक लेके आता है तो उसके लिए ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। देन नेक्स्ट इज योर ISI मार्क। ISI जो मार्क अगर आप यूज करते हो प्रोडक्ट के लिए तो वो इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। जो IS मार्क है वो पॉपुलर है हुआ है पर्टिकुलरली जब आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हुआ 1986 में। देन नेक्स्ट इज FPO मार्क, जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर मार्क है, ये प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी रूल्स जो फ्रेम हुए हैं अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये जो मार्क है मेनली फूड आइटम्स जैसे जैम, पिकल्स, सॉसेस, स्क्वैशेस के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट इज AG मार्क। ये जो मार्क है आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हो और ये इशू किया जाता है बाय दी अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रीजंस फॉर नॉट यूजिंग ब्रांड, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।